आज मैं बनाने जा रही हूँ सामा की पूरी और आलू की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी किचन। दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल ही गया कि मैं आज आपके लिए नवरात्रों के लिए बहुत ही स्पेशल की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे सूखे आलू की सब्जी और समा के चावल की पूरी। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी और आइए इसे बनाते ही। मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पे मैंने समा के चावल लिए हैं एक बड़ी कटोरी, और ये मैंने अपनी कटोरी के नाप से भिगोए हैं। 2 घंटे इनको वॉश कर लें, इनका पानी नहीं निकाल दें, इनको ग्राइंडर में डाल दूंगी अच्छे से महीन पेस्ट करने के लिए। और ये देखिए मैंने डाल लिया है, बिल्कुल अच्छे से बॉल को क्लीन कर लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे जब तक कि बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं हो जाएगा, जब तक आप इसे ग्राइंड करते रहेंगे। और ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, बिल्कुल जब तक कि महीन पेस्ट नहीं हो जाएगा। और एक बार चेक कर लूंगी, ये देखिए बिल्कुल महीन पेस्ट हो चुका है। अब दोस्तों, इसकी पूरी कैसे बनाएं? ये बिल्कुल पानी जैसा हो गया, लिक्विड हो गया है, तो इसकी पूरी बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या करती हूँ। और ये मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया, इसमें मैंने कोई ऑयल नहीं डाला था, सिर्फ मैंने इसे पेस्ट डाला है जो कि मैंने समा के चावल का बना लिया है। अब इसको मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा चला लूंगी मैं। ये देखिए नॉन स्टिक कढ़ाई है और ये देखिए मैं इसको चला लूंगी। इसमें मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया है, कोई ऑयल ऐड नहीं किया है, इसको थोड़ा सा चलाना है। करीबन 2 मिनट बाद जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा, आप देख सकते हैं, उसके बाद अब इसको बॉल में निकाल लेंगे हम। ये मैंने इसको बॉल में निकाल लिया। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर यानी कि 2 बड़े चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल। और अब इसको अच्छे से बाइंड करेंगे। इसका एक अच्छा सा डो बनाना है, सॉफ्ट डो, बिल्कुल पूरियों के लिए परफेक्ट डो बनाएंगे, रेडी करेंगे। और ये देखिए इसको अच्छे से बाइंड करते रहेंगे, थोड़ा सा जैसे हम आटा गूंथते हैं उस तरह से इसको गूंथना है हमें। और ये देखिए थोड़ा सा इसे पंच करती रहूँगी बीच बीच में और इसको अच्छे से मिक्स करना है इसे, जब तक कि अच्छे से आपको लगे, जब तक कि आपको ना लगे कि अच्छे से बाइंड हो गया है, जब तक इसको पंच करते रहेंगे हम। इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे, 1 बड़ा चम्मच, और उसके बाद इसको फिर से मिक्स करना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारा जो बॉल था वो बिल्कुल क्लीन हो गया है, मतलब डो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बाइंड हो गया है, फट भी नहीं रहा है, बिल्कुल चिकना हो गया है। और इसको ढक के थोड़ी देर छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने 7 से 8 आलू लिए हैं, उबले हुए आलू, जिनका मैंने छिलका उतार लिया। 2 हरी मिर्च बारीक कटी, 1 जीरा बड़ा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर आधा छोटे चम्मच, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, धनिया बारीक कटा हुआ। अब यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है 4 बड़े चम्मच। अब इसमें डालेंगे जीरा, साथ ही में डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इनको अच्छे से भूनना है जब तक जीरा हल्का सुनहरा ब्राउन ना हो जाए, तब तक इन्हें लगातार भूनते रहें और गैस को मीडियम रखें। दोस्तों, मैं फिर से यही बात कह रही हूँ। और इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, साथ ही में डालेंगे नमक, सेंधा नमक स्वाद अनुसार। नवरात्रि चल रही है इसलिए हम हर चीज़ में सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए अब जब तक टमाटर हमारे अच्छे से पक रहे हैं, तब तक हम अपने आलू को कट कर लेंगे। और ये देखिए मैं किस तरह से कट कर रही हूँ। ये देखिए आलू हमारे कट हो चुके हैं। इनको मैंने मीडियम साइज का एकदम बाइट लेने लायक इनको बना लिया, मैंने इनको बाइट लेने लायक कट कर लिया है और ये परफेक्टली कट हो चुके हैं। और बीच बीच में हम अपने टमाटर भी चलाते रहेंगे, इनको भी भूलना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएंगे। और ये देखिए चलाते रहेंगे ताकि जब तक ये चटनी का फॉर्म ना ले, जब तक हम इसे लगातार पकाएंगे। और ये देखिए स्पैचुला से मैं इसको थोड़ा सा मैश भी कर रही हूँ बीच बीच में, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल चटनी जैसा हो जाए। और इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। जैसे हमारे टमाटर हो जाएंगे, इसमें मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारे आलू जो है टूटे भी ना और अच्छे से इनके ऊपर मसाला लग जाए। साथ ही में डालेंगे काली मिर्च पाउडर आधा छोटा चम्मच, अब इसको अच्छे से चला लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। ये देखिए इसे लगातार चला। अब इसमें आमचूर पाउडर डालूंगी 1 बड़ा चम्मच, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 बड़ा चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा पानी की छींटे मारेंगे, करीबन 2 बड़े चम्मच मैंने इसे पानी डाला है ताकि जो मसाला है वो अच्छे से बाइंड हो जाए, हमारे आलू पे अच्छे से कोट हो जाए। और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए अच्छे से चलाते रहेंगे। सब्जी देखिए कितनी बढ़िया लग रही है आलू की, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब हमारी आलू की सब्जी बिल्कुल बनके रेडी होने वाली है। लगभग ये बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है। इसे करीबन 2 से 3 मिनट और चला लेते हैं ताकि अच्छे से जो मसाला है वो पक जाए और हमारे आलू भी। अब इसमें देखिए धनिया पत्ता मैंने गार्निश कर लिया धनिया पत्ता से, और बिल्कुल बारीक कटा हुआ 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है हमारी सब्जी देखने में भी, और बहुत ही बढ़िया लगेगी खाने में। और ये देखिए इसे लगातार चलाते रहेंगे और हमारी सब्जी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। और ये देखिए बिल्कुल टेस्टी और लाजवाब सी सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हम पूरी बनाएंगे इसके साथ खाने के लिए। तो टेस्टी पूरी कैसे बनाए देखिए, मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी, इसमें ऑयल डाल लिया मैंने फ्राई करने लायक जितना, और जो आटा था वो भी अच्छे से रेस्ट करने के लिए मैंने उसको काफ़ी देर छोड़ दिया है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा सा हम ऑयल हाथ में लेके इसको अच्छे से मिक्स कर करके, ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया था। और ये देखिए पूरियों के लिए डो बना लेंगे छोटे छोटे, ये देखिए इसी तरह छोटे छोटे मीडियम साइज की पूरियों की साइज वाले डो बनाएंगे हम। और ये मैंने प्लास्टिक शीट बिछा ली है। और ये देखिए जो आटा है, जो डो है हमारा, उसको हम प्लास्टिक शीट पे रख के उसको हाथों से गोल कर लेंगे हथेली की मदद से, ताकि बिल्कुल पूरी का शेप ले ले। अब ये देखिए जो ऑयल है वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, उसमें हम पूरी डाल लेंगे और इसी तरह हम काफ़ी सारी पूरियां बना लेंगे। और ये बहुत ही इजी दोस्तों, ये बहुत ही इजी तरीके से आपकी जो पूरियाँ बन जाएंगी। अगर आप कभी भी इसे बनाएंगे, आप देखिए प्लास्टिक शीट की उस मदद से बनाइएगा, बहुत ही आसानी से। ये देखिए हमारी पूरियाँ जो है वो टूट भी नहीं रही और कितनी इजीली गोल गोल बन रही है। अगर आप बेलन का इस्तेमाल करेंगे तो शायद पूरी टूट जाए और गोल ना बने। और ये देखिए ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म है। और ये देखिए अब गरम गरम पूरी बनाएंगे, बिल्कुल रेडी करेंगे, क्योंकि सब्जी तो हमारी बहुत बढ़िया बनकर रेडी हो चुकी है। अब बस पूरी की वेट है और फिर हमारी बिल्कुल परफेक्ट सी डिश एकदम तैयार हो जाएगी नवरात्रों के लिए। और ये देखिए इसको लगातार डीप करते रहना है हमें, ताकि जो हमारी पूरी है वो बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता बने और बहुत ही बढ़िया दिखेगी बन के, जब बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी बनने में। और आटे की पूरी से थोड़ी डिफरेंट भी है दोस्तों। और ये देखिए मैं इसे बना रही हूँ इसी तरह, और काफ़ी पूरी हम बना लेंगे। हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लेके, बिल्कुल थोड़ा सा ही ऑयल लेना है हमें, 1 चम्मच ऑयल भी लेना, उससे भी काफ़ी कम ऑयल लें। और बिल्कुल इसी तरह इसको राउंड करना है हमें हथेली की मदद से, इसको बिल्कुल राउंड कर करके हम बनाते रहेंगे, काफ़ी पूरियाँ बन जाएंगी इसी तरह। और साइड में स्पेस था, मैंने एक और पूरी ऐड कर ली। और हमारी पहली वाली पूरी बिल्कुल खस्ता सी, बिल्कुल कचौड़ी जैसी बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है। मैंने यहाँ पे 2 पूरियाँ बना भी ली हैं। और ये देखिए मैंने तीसरी पूरी डाल ली है। दोस्तों देखा आपने कितनी इजीली ये बन जाती है और कितनी बढ़िया और कितनी डिफरेंट सी रेसिपी है। और दोस्तों ये सिर्फ मैं आपके लिए नवरात्रों के लिए नहीं, सब कभी भी बना सकते हैं। इतनी ज़्यादा बढ़िया रेसिपीज़ हैं मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ इस हफ्ते नवरात्रों के दिनों में। बहुत ही सिंपल और कभी भी बनाने वाली रेसिपी है ये। और ये देखिए आप देख सकते हैं कैसे हथेलियों का इस्तेमाल करके इनको बना रही हूँ। और ये देखिए मैंने एक और पूरी ऐड कर ली है और इसको पहली वाली पूरी को मैंने पलट लिया है। और दूसरी वाली पूरी को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, उसे फूलने देंगे अच्छे से। और आप देख भी सकते हैं ये अच्छे से फूल भी रही हैं। और ये देखिए मैंने निकाल ली है। देखिए कितनी झटपट पूरियाँ बन रही है। ऑयल बिल्कुल हमारा परफेक्ट गर्म होना चाहिए और बहुत जल्दी जल्दी हमारी पूरियाँ बन के रेडी होंगी। और ये देखिए दोस्तों मेरी तो पूरियाँ बहुत जल्दी फटाफट बन रही है। और मेरे नवरात्रों की रेसिपीज़ तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी हैं। और इस बार के नवरात्रि मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं, बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना मुझे मिला है बनाने के लिए और खाने के लिए दोस्तों। तो आपने देखा मैंने कितनी सारी आपको आपके साथ रेसिपीज़ शेयर की हैं। और ये देखिए मेरी पूरियाँ तो बिल्कुल फटाफट बन के रेडी होने वाली हैं। और ये देखिए बस 2-4 पूरियाँ मैं आपको और दिखाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से बिल्कुल समझ आ जाए, ताकि आप इन्हें कभी भी बनाएं तो आपको प्रॉब्लम ना होने बनाने में। और ये देखिए मेरी पूरियाँ तो लगभग बन के रेडी हो चुकी हैं और मेरी रेसिपी तो परफेक्टली बन के रेडी हो चुकी है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया लग रही है, मेरे से तो वेट किया नहीं जा रहा है दोस्तों, मैं तो फटाफट से इन्हें टेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और इसे फटाफट से बनाएं दोस्तों।